हे hey गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अफोर्डेबल स्मार्टफोन की, जो कि है C11। अब C3 थोड़े टाइम पहले आया था, उसका हमने गेमिंग वीडियो किया था। तो ये C3 का अपग्रेडेड वर्जन नहीं है। कंपनी ने कहा है कि दोनों डिवाइसेस साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेंगे। C3 एक G70 चिपसेट के साथ आता था, जिसपे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस था। वो कंपनी इसको एज अ मल्टीमीडिया ओरिएंटेड स्मार्टफोन बोल रही है। यहाँ पे आपको मिलता है 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंपनी ने दिया है MediaTek का ही प्रोसेसर, पर वो दिया है G35। जी हाँ, Helio G35 के साथ ये डिवाइस आता है। यहाँ पे सिर्फ 2GB की रैम मिलती है और 32GB की स्टोरेज मिलती है। स्पेसिफिकेशंस देख के लग भी नहीं रहा ये एक गेमिंग ओरिएंटेड स्मार्टफोन है, और कंपनी बोल भी इसको मल्टीमीडिया ओरिएंटेड स्मार्टफोन रही है। पर आप हमें जानते हैं, हम करते हैं सारे डिवाइसेस का गेमिंग टेस्ट। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं Realme C11 का पबजी टेस्ट, और लेट्स सी पबजी कैसा परफॉर्म करता है इस स्मार्टफोन में और क्या क्या ग्राफिक सेटिंग्स आपको देता है। और ये सब के साथ हम आपको हीटिंग टेस्ट भी दिखाएंगे और FPS भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर्स की बात करें तो आगे की साइड आप देख सकते हैं 33 डिग्रीज है, और पीछे की साइड की बात करूँ तो अगेन 33 मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है। तो फटाफट से गेम को स्टार्ट करते हैं और अपना सेटअप आपको दिखाते हैं। तो ये रहा PUBG मोबाइल Realme C11 पर। तो यहाँ पे अगर आप सेटअप की बात करें तो नीचे राइट साइड पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हैंड कैम है, जो कॉन्स्टेंटली आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर जो मेन स्क्रीन है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो हम USB मिरर करके स्क्रीन कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि फ़ोन पे लोड ना पड़े। और ये ऑडियो कैप्चर के लिए 3.5 में केबल लगा रखी है। तो यहाँ पे पहले सेटिंग्स में जाएं तो क्या लगता है आपको MediaTek G35 क्या आपको ग्राफिक्स ऑप्शन ऑफर करेगा, पॉज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब देखते हैं, अगर आपने लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो प्लीज़ पॉज करिए और कमेंट करिए कि क्या लगता है आपको, क्या ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे आपको मिलता है स्मूथ में लो और मीडियम, बैलेंस में भी लो और मीडियम, HD ऑप्शन नहीं मिलता। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपके पास हाई भी नहीं रहता, जो मेरे ओपिनियन में एक डिसेंट पबजी एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी होता है। तो ये P22 जैसे ही आपको ऑप्शंस दे रहा है, उससे थोड़ा पावरफुल ज़रूर है ये चिपसेट, पर आपको ऑप्शंस उतने ही मिलते हैं स्मूथ में, लो और मीडियम। तो यहाँ पे हम ज़्यादा गेमिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमने पहले भी बोला है अगर 30 FPS नहीं मिलता तो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है पबजी खेलना, और मैं रिकमेंड नहीं करता। तो ये डिवाइस पबजी ओरिएंटेड स्मार्टफोन नहीं है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन नहीं रहेगा। पहले एक TDM खेलते हैं, फिर हम एक आर्केड की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, चाहे फ्रेम्स आपके 25, 26 या 27 के अराउंड आ रहे हो, पर जो स्टटर है वो आपको फील होगा, क्योंकि 30 FPS से नीचे जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि फ्रेम्स यहाँ पे स्किप हो रहे हैं और एनिमी या तो इधर उधर अपने आप गैप सा हो रहा है या अटक रहा है। तो ये चीज़ हर डिवाइस में कॉमन है, जिसमें HD कह रहा हूँ, अगर आप हाई से नीचे ग्राफ या फ्रेम्स पे खेलते हैं तो। तो यहाँ पे अगर आप 60 FPS से सीधा 25-26 FPS पे मूव करते हैं तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी आती है खेलने में। वही चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैं यूजली 60 पे खेलता हूँ। टेस्टिंग के टाइम मोस्टली डिवाइसेज जो हम टेस्ट करते हैं 40 FPS देते हैं, पर ये वाला डिवाइस एक्चुअली कम है, जो कि 40 से या 30 से भी नीचे है। तो यहाँ पे हाई लेवल पे मारना थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है। बस आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारी सिर्फ पिटाई ही हुई है। तो लेट्स सी आर्केड में कैसा रहता है एक्सपीरियंस, एक आर्केड में मैच खेलते हैं अब। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऊपर कि आर्केड में भी ये 24-25 FPS मेंटेन कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मेंटेन नहीं कर पा रहा, पर हाँ 30 FPS देते और वो मेंटेन कर पाता तो एक पबजी के लिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता।
तो जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे 25 FPS पे वैसा ही एक्सपीरियंस आ रहा है कि मेरे को कांस्टेंट ऐसा लग रहा है कि फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, जबकि अगर आप FPS मीटर पे देखें तो इतने ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है, जो जिस लेवल पे रहने चाहिए उस लेवल पे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। पर हाँ, इस लेवल के लिए हमने एक अलग से वीडियो भी करी थी जिसको आप चेक कर सकते हैं, लो FPS वर्सेस हाई FPS। तो उसमें हमने आपको सारे FPS का कंपैरिजन दिखाया था, अगर आपको वो वीडियो चेक करनी है तो आप हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा इसका। तो अगर आप बात करें इसके टेम्परेचर्स की, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की गेमिंग हमने ट्राई करी है, 20-25 मिनट्स की इनफैक्ट, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन। पहले ऑफ स्क्रीन थोड़ा सा खेल रहे थे, तो यहाँ पे टेम्परेचर 41 तक जा रहे हैं आफ्टर 23 या 25 मिनट्स की गेमिंग के अराउंड, और पीछे का टेम्परेचर कंपेरेटिवली 38 है। इतना ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो हीटिंग इश्यूज आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं FPS का, तो यहाँ पे आपको तीन पैटर्न्स दिखेंगे। बीच बीच में जो ये ग्राफ गायब हो रहा है वो एक्चुअली हमारा जो ग्राफ का मॉनिटरिंग है, अगर उसको मिनिमाइज कर दें तो वो ग्राफ रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। पर आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे काफ़ी हद तक 25 FPS के अराउंड ही रहता है, जो कि 25 FPS ऑप्शन है तो इसलिए उस अराउंड रहना एक अच्छी चीज़ है, पर ओवरऑल वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो आपको ग्राफिक सेटिंग्स यहाँ पे मिलती है उस सेटिंग पे मैं इस डिवाइस को पबजी के लिए रिकमेंड या गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता। ये अफोर्डेबल रहने वाला है, 7-8 हज़ार या 8-9 हज़ार के अराउंड आएगा, डिपेंडिंग अपॉन वेरियंट्स और सब कुछ। हमारे पास जो है वो 2 GB RAM वेरियंट है, 2 GB RAM कंबाइंड विद मीडियाटेक G35 एक अच्छा ऑप्शन नहीं है गेमिंग के लिए। आप इसी में अगर रियलमी C3 को देखें तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस है, ये मेरे ओपिनियन में एक मल्टीमीडिया ओरिएंटेड डिवाइस है। और अगर आपको गेमिंग के लिए देखना है तो आप बाकी डिवाइसेस देख सकते हैं, C11 में जो G35 है वो गेमिंग के लिए नहीं बना। आप बताइए आपको और क्या टेस्ट देखना है इस डिवाइस पे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।